नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करूंगा एफडी बेस्ड जो आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं उसके बेनिफिट क्या हैं उसके बारे में। अभी मैं छत पे मौजूद हूं इस वक्त, तो छत से ही शूट कर रहा हूं। बहुत दिन बाद शूट कर रहा हूं तो अच्छा भी लग रहा है, पर थोड़ी थोड़ी धूप है तो अभी ठंड का थोड़ा सा माहौल हो चुका है तो अच्छी भी लगती है। तो एफडी बेस जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो बेनिफिट क्या है उसका, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले है कि जो भी आप एफडी कराते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो अभी थोड़ा सा ऐसा भी है कि कोई आ ना जाए, वो भी देखना पड़ रहा है। तो आपको इंटरेस्ट मिल जाता है सबसे बात पहली बात जो है, और दूसरी बात बात करूँ तो क्रेडिट कार्ड मिल जाता है जो कि एफडी बेस पे होता है। कई बार आपको कुछ हैं कंपनियां या बैंक कह लो, थर्ड पार्टी ऐप्स कह लो, जो आपको 110% आपके एफडी पे दे देते हैं। यानी कि अगर 100 के एफडी करते हैं तो आपको 110 रुपये मिल जाता है, और अगर आप कुछ बैंक्स हैं तो वो आपको 80% आपकी एफडी का जो अमाउंट है उसका 80% आपको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। तो वो क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है और उसको आप यूज़ करते हैं, तो जो वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर बढ़ता है। तो दो यहाँ पे हो गए बड़े बेनिफिट, जो कि एक तो आपको जो एफडी कराएंगे उस पर इंटरेस्ट मिलता है उस अमाउंट पे, और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है जिससे क्रेडिट और सिविल स्कोर बढ़ता है आपका जब आप उसको यूज़ करते हैं, रीपेमेंट करते हैं। तो अब तीसरे बेनिफिट की बात करते हैं। मान लीजिए आपने 15,000 रुपये का एफडी पर क्रेडिट कार्ड लिया है, और उसके एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि 15,000 रुपये ही आपको वहाँ पर लिमिट मिली है। अब यहाँ पर ये चीज़ होगा कि जो ई कॉमर्स साइट्स हैं वहाँ पे क्रेडिट कार्ड के ऑफ़र्स होते हैं, तो अगर आपने जो एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड लिया है उसका कोई ऑफ़र चल रहा है तो आप वहाँ पर जो डिस्काउंट है, कुछ ऑफ़र हैं, कैशबैक के ऑफ़र हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा बेनिफिट जो एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं। अब चौथे की बात कर लें, इसमें ज़्यादातर जो मैंने अभी तक देखा है वो एफडी बेस्ड जो भी क्रेडिट कार्ड होंगे आपके शायद लाइफ टाइम फ्री होंगे और एनुअल चार्जेस भी शायद ही होंगे। अभी तक मैंने जो भी लिया है वो नहीं देखा है, जो भी क्या मतलब अभी एक ही लिया है जो कि है लेजी पे नहीं है, वन कार्ड है जिसमें एनुअल चार्जेस और ऐसा कुछ उसमें फ़ीस नहीं है और ना ही कोई ज्वाइनिंग फ़ीस है, एफडी बेस पे आपको डायरेक्ट मिल जाता है। ऐसे ही मैंने पैसा बाजार जो ऐप है, ऐप कह रहा हूँ, ऐप ही है शायद, तो उससे आप स्टेप अप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं एफडी बेस। उसमें भी कोई ज्वाइनिंग फीस वगैरह नहीं है, ना ही कोई एनुअल चार्जेस है। 2,000 की एफडी कराते हैं तो स्टेप अप में शायद 200 रुपये है, लेकिन उससे ऊपर का अमाउंट कराते हैं तो वो फ्री है। तो ये चीज़ होती है कि इसमें चार्जेस वगैरह भी नहीं लगते हैं और ज़्यादातर ये लाइफ टाइम फ्री होता है, नो ज्वाइनिंग फीस इसमें कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ ये चौथा चीज़ हो गया। और मुझे लगता है कि आप जैसे ही क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं एफडी बेस वाला, तो उसके बाद उसके कई सारे बेनिफिट आपको अपने आप देखने को मिल जाएंगे। तो ये चार बेनिफिट मेरे माइंड में थे जो मैंने आपको शेयर किया। बाकी आपको कोई बेनिफिट नज़र आ रहा है या दिख रहा है एफडी बेस क्रेडिट कार्ड के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी पाँचवा जाते जाते बता दूँ, सबको ही ये मिल जाता है क्योंकि एफडी बेस है। आप जितना अमाउंट जमा करेंगे और जो मिनिमम अमाउंट होता है 2,000 मेरे ख्याल होता है शायद एफडी बेस क्रेडिट कार्ड के लिए, तो उससे जो भी अप्लाई करना चाहे कर सकता है। सबको ही 100% मुझे लगता है इसका जो अप्रूवल रेट होगा, या फिर यूँ कह लीजिए कि कितने लोगों को मिल सकता है 100 में से, तो मुझे लगता है 100 में से 100 को ही मिल जाएगा। जो एफडी कराएगा वो क्रेडिट कार्ड ले सकता है एफडी बेस क्रेडिट कार्ड। तो ये पाँचवा है, डॉक्यूमेंटेशन में आधार पैन कार्ड और ये सब लग करके आपको ये मिल जाता है एफडी बेस क्रेडिट कार्ड। इंस्टेंट अप्रूवल कह रहा हूँ, इंस्टेंट एक्टिवेट भी हो जाता है, ऑर्डर भी कर सकते हैं। कई एफडी बेस क्रेडिट कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही ऑर्डर हो जाएंगे, वन कार्ड का मेरे को कोई चार्जेस नहीं लगे। और इस ऐसे एफडी बेस क्रेडिट कार्ड को आप एक्टिवेट करते हैं तो कुछ कैशबैक और अमेजोन वाउचर, ई वाउचर, वन कार्ड की बात करूँ तो 500 या शायद 250 रुपये का अमेजोन वाउचर मुझे मिला था, तो ये भी बेनिफिट हो जाता है। तो ये लगभग छठा बेनिफिट मैंने आपको बता दिया एफडी बेस क्रेडिट कार्ड का। अब डिसीजन आपको लेना है, मुझसे कुछ छूट गया है इस बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे भी पता चले, लोगों को भी पता चले। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।